नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद निकुंज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे 1 से लेकर 3 सितंबर 2020 के जितने भी करंट फैक्ट है इनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मित्रों, तो देखिएगा पहला फैक्ट क्या कह रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया देश ने शांति रक्षण बलों में महिलाओं की सहभागिता की वकालत करने वाले प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किया गया है। तो इंडोनेशिया देश के द्वारा शांति रक्षण बलों में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए उनसे संबंधित वकालत करने वाले जो प्रस्ताव है उसको कहाँ पर पेश किया है, कहाँ पर प्रस्तुत किया है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किया है। देखिए मित्रों, जो इंडोनेशिया का जो सह प्रायोजक देश है उसका नाम है भारत। किसने किया इसका सपोर्ट? भारत ने किया है। अब देखिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 है, और जो 15 है उसमें से 5 तो होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, यानी कि 5+10 रहते हैं, और 5 स्थायी जिनको वीटो पावर प्राप्त होती है। ये 5 कंट्री कौन कौन सी है, तो उनका नाम है रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। अब देखिए इंडोनेशिया चर्चा में आया, तो इंडोनेशिया के बारे में हम स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। मित्रों, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी के बारे में पूछा जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो देखिए जकार्ता आपने नाम सुना है, लेकिन उसका नाम चेंज करके उसको ट्रांसफर कर दिया, उसका स्थानांतर कर दिया, और जो बोर्नियो द्वीप है इंडोनेशिया में वहां पर कर दिया गया है, और उसका नाम कालीमंतन द्वीप। कौन सा है? पूर्वी कालीमंतन द्वीप है, उस पर कर दिया गया है। इंडोनेशिया में जो मुद्रा चलती है उसका नाम रुपया है, और इंडोनेशिया है कहां पर मित्रों? तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है। अगर बात करते हैं अपन इसके बारे में कि यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है, तो रुपया चलती है। मित्रों, जो मुद्रा है रुपया वो 8 देशों की मुद्रा है। कितनों की है? अब आप बता दीजिए इंडोनेशिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्री जिसकी मुद्रा का नाम रुपया होता है, आप ये कमेंट्स करके बताइए। मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ इसके बारे में। देखिए वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति उनका नाम जोको विडोडो है। क्या है? जोको विडोडो है। और जो आसियाना है, आसियान जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में। अब यूएनओ चर्चा में आ जाता है, तो यूएनओ के बारे में भी स्टेटस पॉइंट जान लेते हैं। मित्रों, यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए अगर बात करते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ के जो हेड है वर्तमान में उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मित्रों, अगर पूछा जाए यूएनओ के वर्तमान में हेड कौन है, तो इनके हेड का नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस है। पूछा जाए एंटोनियो गुटेरस कौन से देश के हैं, तो ये है पुर्तगाल के। कौन से के हैं? सॉरी, देखिए इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। यूएनओ के यूएनओ है उसकी जो आधिकारिक भाषा है वो कितनी है? 6 है। कितनी मित्रों? 6 है। अब वो 6 कौन कौन सी है उनके नाम जानिए। सबसे पहले तो फ्रेंच, चाइना, अंग्रेजी, स्पेनिश और रूसी और अरबी, इस प्रकार 6 हो जाती है। और जो यूएन के अलग अलग भाषाएं हैं इनके अलग अलग समय में इनके जो डे मनाए जाते हैं, जिसे फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को। और देखिए मित्रों 20 अप्रैल को मनाया जाता है चीनी भाषा दिवस। यूएन का जो चीनी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा ये दोनों मनाए जाते हैं 23 अप्रैल को। और रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को। और अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ठीक है, तो ये इतने सारे फैक्ट याद रखने होते हैं आपको। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। देखिएगा हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के लिए एग्रियोटा ई मार्केट प्लेस नामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो किसके द्वारा किया गया? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा किया गया है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात, इसी को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। मित्रों यूएई की जो राजधानी है उसका नाम है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी है। यूएई में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूएई दिरहम, और यूएई के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। देखिए यूएई की संसद है उसे फेडरल नेशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। और यूएई का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है दुबई। क्या नाम है? दुबई है। और दुबई में ही मित्रों
आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है, दुबई में है, और दुबई कहाँ है, यूएई में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए, हाल ही में यूक्रेन ने अपने पड़ोसी देश जिसका नाम बेलारूस है के साथ संबंधों को खत्म कर लिया है, तो कौन से देश ने किया है, यूक्रेन ने, और कौन से देश के साथ संबंध समाप्त किए हैं, बेलारूस के साथ। अब देखिए, पहली बात तो ये दोनों देश चर्चा में आ जाते हैं, यूक्रेन और बेलारूस, इनके बारे में हमें स्टेटिक्स पॉइंट जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये दोनों जो देश है यूरोप महाद्वीप में है, किसमें है, यूरोप महाद्वीप में है, और जो यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव, क्या है, कीव, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है न्यूनिया, क्या है, न्यूनिया, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है पेट्रो पोरोशेंको, क्या नाम है, पेट्रो पोरोशेंको, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम है, और यूक्रेन के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है क्लोडिमिर ग्रोइसमन। ठीक है, इसी प्रकार बेलारूस के बारे में जान लेते हैं स्टेटस पॉइंट। अभी बताया आपको, बेलारूस भी यूरोप महाद्वीप में आता है, यूक्रेन का पड़ोसी देश है। बेलारूस की जो राजधानी उसका नाम मिंस्क है, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है बेलारूसियन रूबल, और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है रोमन गोलोवचेको, क्या नाम है, रोमन गोलोवचेको नाम है। तो ये सारे इनके नाम वगैरह आपको सारे याद रखने हैं मित्रों। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में गुजरात सरकार ने गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू करने की घोषणा की है। तो कब से शुरू करने की घोषणा की है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, 31 अक्टूबर 2020 से ये गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू कर देगा। अब गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है तो ये कहाँ पर हो रही है, तो मित्रों ये अहमदाबाद के जो साबरमती रिवर फ्रंट है वहां से लेकर केवड़िया के जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती मनाई जाती है, वो कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, इसलिए इसी दिनांक को डिसाइड किया गया है। देखिए मित्रों, इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मित्रों 31 अक्टूबर देखो दोनों साल से चर्चा में आ रहा है, जब 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी तब भी ये चर्चा में आया था 31 अक्टूबर, और पिछली बार 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को आधिकारिक रूप से जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका दर्जा दिया गया, हालांकि 5 अगस्त 2019 को ही कर दिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से जो घोषणा की गई थी, जो हुई थी, वो कब से हुई थी, 31 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि जितने भी कानून वगैरह थे पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, वो धारा 370 को हालांकि हटा तो अगस्त में दिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, तो इसलिए वो दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मित्रों। ठीक है, अब गुजरात गवर्नमेंट चर्चा में है तो गुजरात के बारे में हम स्टेटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी का नाम है गांधीनगर, और गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम विजय रूपाणी, क्या है, विजय रूपाणी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत, और लोकसभा सीटें जाती हैं यहाँ से 26 और राज्यसभा सीटें जाती 11। ठीक है, विधानसभा की सीटें यहाँ पे 182 है। राज्य पशु का नाम एशियाई शेर है, और राज्य पक्षी है विशाल फ्लेमिंगो, और राज्य वृक्ष का नाम आम है। अगर आपसे पूछा जाए गिर नेशनल पार्क कहाँ मित्रों, तो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में, और गुजरात का वाहन अक्षर क्या होता है, जी जे, क्या होता है, जी जे होता है। पूछा जाए नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है। वर्तमान में जो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका नाम है विक्रम नाथ, क्या नाम है, विक्रम नाथ। देखिए भारत के जितने भी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा लगाने वाला जो राज्य है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम गुजरात है। गुजरात में मित्रों सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। आपसे पूछा जाए सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गुजरात में स्थित है। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों। देखिए मित्रों, हाल ही में मुस्तफा अदीब को लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाया गया, तो मुस्तफा अदीब को बना दिया गया, कौन सा देश का, लेबनान का नया पीएम बना दिया गया है। देखिए मुस्तफा अदीब जर्मनी में अभी वर्तमान में लेबनान के राजदूत थे, अब इनको लेबनान का वर्तमान में प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहां पे एक विस्फोट हुआ था, उसके कारण पहले के जो वहां के प्रधानमंत्री थे हसन दीब, उनको विरोध हुआ था और उनको इस्तीफा देना पड़ा था, इसलिए अब बना दिया गया मुस्तफा अदीब को। अब लेबनान देश चर्चा में आ जाता है तो लेबनान के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये पश्चिमी एशिया महाद्वीप में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। ठीक है, इसके उत्तर में सीरिया और इसके दक्षिण में इसराइल है। इसकी राजधानी का नाम बताया आपको बेरूत है। यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम लेबनानी पाउंड है, और यहाँ की जो संवैधानिक भाषा है
उसका नाम क्या मित्रों, अरबी है। और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम मिशेल एउन है, जो कि ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे हसन दीप, जिनको विरोध होने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था, वो सुन्नी मुसलमान थे। देखिए यहाँ के जो संसद है उसके अध्यक्ष नबी बेरी, जो कि शिया मुसलमान है। ठीक है, अगर बात करें मित्रों कि ये स्वतंत्र कब हुआ था, तो 1947 में ये फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था लेबनान। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला फैक्ट ध्यान रखते हैं, देखो दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने अन अकेडमी को आईपीएल 2020 से आईपीएल 2022 तक ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा कर दी है। बना दिया है किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। किसको? अन अकेडमी को। अन अकेडमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, अब जो बीसीसीआई चर्चा में है, तो बीसीसीआई के बारे में हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले तो जो बीसीसीआई है इसका पूरा नाम क्या होता है, हिंदी में इसका पूरा नाम क्या होता है, इंग्लिश में इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इंग्लिश में इसका नाम है पूरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर है मित्रों मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई की? तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी है उनका नाम जय शाह है, जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र है। और इसके जो कोषाध्यक्ष है उनका नाम अरुण धूमल है। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वर्तमान में उनका नाम सौरभ गांगुली है, जो कि भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। और इसके जो सचिव है बीसीसीआई के उनका नाम अमिताभ चौधरी। ठीक है मित्रों, ये सारे फैक्ट याद रखने। साथ ही में बीसीसीआई का जो वर्तमान में लोकपाल है उनका नाम है डीके जैन। क्या नाम है? डीके जैन है। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों, देखिएगा, हाल ही में अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर ने फ्रांस के प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डी फ्रांस जीता है। तो अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने फ्रांस का जो प्रसिद्ध साइकिल रेस हुई है टूर डी फ्रांस, उसको जीत लिया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, किसके द्वारा जीता गया है तो इनका पता होना चाहिए। अब कब जीता है मित्रों, अगर पूछा जाए आपसे कि साइकिल जो रेस है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो साइकिल दिवस मित्रों प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। साइकिल दिवस कभी पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? 3 जून को प्रतिवर्ष साइकिल दिवस मनाया जाता है। अब जो फ्रांस है, फ्रांस चर्चा में आ जाता है, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं हम। देखिए जो फ्रांस देश है इसकी राजधानी है पेरिस, और पेरिस में आपने सुना होगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। आपसे पूछा जाए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो पेरिस फ्रांस में है। और यहाँ पे जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, फ्रांस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम यूरो है। और वर्तमान में जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनका नाम इमोलियन मैक्रोन है। और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उनका नाम है जीन कॉस्टेक्स। क्या नाम है? जीन कॉस्टेक्स है। अगला फिर जानते हैं दोस्तों, देखिए हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी -23.9% रही। कितनी रही? तो 23.9% माइनस में रही है मित्रों इस बार भारत की जीडीपी। किसके द्वारा? जो तिमाही रिपोर्ट जारी की है उसके द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें ये बात का खुलासा हुआ। तिमाही कौन कौन से महीने की रिपोर्ट है मित्रों? तो ये रिपोर्ट है अप्रैल मई और जून, इन तीनों महीनों की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग कितनी रही है भारत की जो जीडीपी, वो रही है मित्रों -23.9, बहुत बड़ी बात है। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रोरो ट्रेन सेवा शुरू की है। तो कौन सी ट्रेन शुरू की है? रोरो ट्रेन सेवा शुरू हुई है कर्नाटक से। तो ये रोरो ट्रेन सेवा है, इसका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो आर ओ का पूरा नाम क्या होता है रोरो का? तो इसका होता है रोल ऑन रोल ऑफ, यानी कि सामान को लोड करना और सामान को उतारना। देखिए जो रोरो ट्रेन सेवा है ये नेलमंगला जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, वहां से लेकर बेल जो कि सोलापुर महाराष्ट्र में है, इन दोनों के मध्य चलेगी। और इसको जो शुरू किया जा रहा है वो पश्चिमी रेलवे के द्वारा शुरू किया जा रहा है मित्रों। ठीक है, और ये 4 राज्यों से होके जाएगी, कर्नाटक से निकलेगी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होती हुई महाराष्ट्र पहुंचेगी। और कहाँ पे पहुंचेगी? प्रॉपर जगह मैंने आपको बता दी। अब एक तो आ जाता है भारतीय रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे चर्चा में आ जाता है। कर्नाटक से निकल रही है तो एक तो कर्नाटक चर्चा में आ जाता है, और एक महाराष्ट्र पहुंच रही है, तो ये दोनों स्टेट चर्चा में आ जाते हैं। तो हम किस किस के बारे में जानेंगे? एक तो इंडियन रेलवे के बारे में जानेंगे स्टेटिक्स पॉइंट, एक कर्नाटक के बारे में जानेंगे, और एक महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं हम भारतीय रेलवे के बारे में। सबसे पहले आप भारतीय रेलवे के बारे में देखिएगा,
मित्रों जो भारतीय रेलवे के जो वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री है उनका नाम क्या, पीयूष गोयल है। तो सबसे पहले तो रेल मंत्री का नाम याद रखना आपको, रेल मंत्री का नाम क्या है, पीयूष गोयल है। वर्तमान में जो भारतीय रेलवे है उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी पता होना चाहिए, वीके यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव, ठीक है। और भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, तो भारत में मित्रों पहली बार जो ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, इसलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। उस समय जो ट्रेन चली थी 1853 में, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी था। और वो जो ट्रेन चली थी मित्रों वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मित्रों वो ट्रेन जो चली थी ना वो चली थी बम्बई से ठाणे के मध्य। कहाँ से, बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी, तो वो चली थी 34 किलोमीटर। कितने चली थी, 34 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन कब चली, तो पहली बार विद्युत ट्रेन चली थी 1925 में, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे मित्रों 1890 में क्या हुआ था, तो 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया था। आपसे पूछा जाए भारतीय रेलवे एक्ट कब लाया गया, तो 1890 में लाया गया। लेकिन भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी मित्रों 1905 में। अब जब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हो रही है, तो उस समय भारत के जो वाइस राय हैं उनका नाम क्या है, लॉर्ड कर्जन है। क्या है, लॉर्ड कर्जन है। अब वर्तमान में चलते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल रेलवे जोन कितने हैं, 18 रेलवे जोन है। 18वें नंबर का रेलवे जोन कौन सा है, उसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। भर्ती बोर्डों की संख्या कितनी है मित्रों, 21 है। और डिविजनल मंडलों की संख्या कितनी, 69 है, ठीक है। अगर पूछा जाए वर्तमान में लेटेस्ट, हालांकि काम चलने वाला नहीं पूछ रहा हूं, काम तो देखो हुबली रेलवे स्टेशन का चल रहा है जो कि भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 1400 मीटर। लेकिन वर्तमान कंडीशन देखी जाए कि वर्तमान में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए स्टेट दो कौन कौन से चर्चा में आए, एक तो कर्नाटक चर्चा में आ गया। कौन सा आया मित्रों, एक तो कर्नाटक चर्चा में है, तो एक तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कर्नाटक के बारे में, और एक आया महाराष्ट्र। ये दोनों चर्चा में हैं तो इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी का नाम है बेंगलुरु। क्या नाम है, बेंगलुरु नाम है। और जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है उसके जो संस्थापक है उनका नाम है कैंपे गौड़ा। क्या नाम है, कैंपे गौड़ा। और जो कैंपे गौड़ा जी है उनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया था थोड़े दिन पहले, कर्नाटक के जो सीएम थे BS येदियुरप्पा उनके द्वारा किया गया था। और उसकी ऊंचाई है 108 फीट ऊंची है। कितनी है, 108 फीट ऊंची है। देखिए जो बेंगलुरु है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब कर्नाटक अपनी सीमा किस किस के साथ लगाता है, तो कर्नाटक अपनी सीमा लगाता है मित्रों महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ। देखिए कर्नाटका के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम क्या, अभी बताया मैंने आपको, BS येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर पूछा जाए कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम वजुभाई वाला है। वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी है, तो 28 है। यहाँ पर राज्यसभा की 12 है, विधानसभा की 225 है। और यहाँ का जो वाहन अक्षर होता है उसका नाम KA। क्या है, के है। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है मित्रों, यहाँ की राजभाषा का नाम पूछा जाए या सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो उसका नाम है कन्नड़। क्या है, कन्नड़ है। अगर पूछा जाए कर्नाटक हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो उनका नाम है अभय श्रीनिवास ओका जी। और बांदीपुर नेशनल पार्क पूछा जाए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है, तो नागरहोल नेशनल पार्क भी है कर्नाटक में। देखिए यहाँ पर एक जलप्रपात है, काफी फेमस जलप्रपात है, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और जोग जलप्रपात के अन्य नाम मिलते हैं, गारसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। इसके अलावा देखो कर्नाटक में और क्या है, कर्नाटका में एक कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पर, जैसे राउत बाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है मित्रों, तो ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है। इसी प्रकार कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो ये है कर्नाटका में। और राउत भाटा कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में कौन से जिले में, वो आपको कमेंट्स करके बताना है। अब महाराष्ट्र चर्चा में आ गया, तो महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं मित्रों। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी का नाम है मुंबई। और महाराष्ट्र में जो सीमा लगाता है वो किस किस के साथ लगाता है, महाराष्ट्र अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, तो उसका नाम है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा।
देखिए महाराष्ट्र के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम उद्धव ठाकरे जी है, जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान में यहाँ के अगर पूछा जाए उप मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के, तो उनका नाम अजीत पवार है। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल है उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है। और भगत सिंह कोश्यारी को ही गोवा का अतिरिक्त प्रभार दे रखा है राज्यपाल का, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 48 है, राज्यसभा की 19 है और विधानसभा की 288 है। और इसका जो हाईकोर्ट है उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। और बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी पता होना चाहिए, उनका नाम है दीपांकर दत्ता जी। क्या है, दीपांकर दत्ता जी है। और यहाँ का वाहन अक्सर होता है MH। क्या होता है, MH होता है। लोनार झील पूछा जाए भारत में लोनार झील कौन से राज्य में है, तो उसका नाम है महाराष्ट्र, ठीक है मित्रों। अगर आपसे पूछा जाए नवे गांव नेशनल पार्क कहाँ है, तो नवे गांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों। देखिए मित्रों हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया। किसका निधन हो गया, हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो चुका है। डॉक्टर एस पद्मावती थी कौन मित्रों, तो ये भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ। आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ कौन थी, उसका नाम क्या है, डॉक्टर एस पद्मावती। मित्रों इनका COVID-19 के कारण निधन हो गया, ये मात्र 103 वर्ष थी इनकी एज, ठीक है। इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था मित्रों। देखिए इनको 1967 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके अलावा 1992 यानी कि 1992 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, और पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है मित्रों, ठीक है। इनका जन्म ऐसा कहा माना जाता है कि इनका जन्म म्यांमार में हुआ था, ठीक है। अगला फिर जानते दोस्तों। देखिएगा हाल ही में IIT इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है। कौन सा नया पाठ्यक्रम किसके द्वारा पेश किया गया है, IIT इंदौर के द्वारा किया गया है मित्रों। अब आपको एक कमेंट्स करके बताना है कि इस IIT का पूरा नाम क्या होता है, और कुछ कमेंट्स नहीं करना है, सिर्फ IIT का पूरा नाम बता दीजिए आप। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। देखो हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हो गया। तो प्रणब मुखर्जी देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2012 से 17 तक इन ये राष्ट्रपति का इनका कार्यकाल था। देखिए जो प्रणब मुखर्जी हैं जिनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को, और ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। कौन से नंबर के बने थे, 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और इनका कार्यकाल अगर प्रॉपर देखना चाहते हो तो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक रहा था, ठीक है। और इन्होंने जो इलेक्शन में किसको हरा कर ये राष्ट्रपति बने थे, तो ये PN संगमा को चुनाव में इन्होंने हराया था, और फिर ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इनकी पार्टी कौन सी थी, तो ये हालांकि कांग्रेस पार्टी से इनका राजनीतिक करियर रहा है। ये भारत के दो बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, और 1984 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का अवार्ड भी दिया गया था। और उस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के जो गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम था मनमोहन सिंह जी। क्या नाम था, मनमोहन सिंह जी। देखिए जो प्रणब मुखर्जी हैं इनको भारत का विदेश मंत्री भी बनाया गया एक बार, और एक बार इनको रक्षा मंत्री का पद भी दिया गया था, रक्षा मंत्री भी इनको बनाया गया है। देखिए जो मनमोहन सिंह जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये असम राज्यसभा से बिलोंग करते थे। उस समय जो लोकसभा के सदन, लोकसभा जो सदन है उसमें जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। क्या नाम है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उसमें, क्योंकि मनमोहन सिंह जी तो राज्यसभा से थे, राज्यसभा में सदन के नेता थे, लेकिन लोकसभा में सदन के नेता कौन थे, तो उस समय थे प्रणब मुखर्जी थे मित्रों। 2008 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं इनको। देखिए इनकी कुछ पुस्तकें हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, और साथ ही में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि इनको 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। कुल 3 व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वो किस किस को मित्रों, एक तो नानाजी देशमुख को, एक भूपेन हजारिका, और तीसरे कौन थे, हमारे प्रणब मुखर्जी राष्ट्र जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति है, इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं मित्रों, द कोलेजन इज ईयर और द ड्रामिक डिकेट है मित्रों, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस है,
याकूब मेनन को जो फांसी पर हस्ताक्षर किए थे मित्रों, वो भी किसने किए थे? प्रणब मुखर्जी के द्वारा किए गए थे। और इनका जो निधन हुआ है उसकी दिनांक अगर ध्यान रखनी है तो उसकी दिनांक है 31 अगस्त 2020 को। ठीक है मित्रों, अगला फैक्ट जानते हैं। देखिएगा, हाल ही में आर के महाजन को बिहार पब्लिकेशन सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। तो किसको बनाया गया? आर के महाजन को बनाया गया, बिहार पब्लिकेशन सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन बनाया गया है। अब देखिए, बिहार चर्चा में आ जाता है और एक आर के महाजन जी आ जाते हैं। तो आर के महाजन जी 1987 बैच के बिहार कैडर के एक आईएएस ऑफिसर है। अब बिहार आ गया, बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नीतीश कुमार है, जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम फागु चौहान है। वर्तमान में लोकसभा सीटें यहाँ पे 40 है और राज्यसभा की 16 है, विधानसभा की 243 है मित्रों। अगर पूछा जाए, इसका जो हाईकोर्ट है उसे पटना हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, और पटना हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है मित्रों? तो उनका नाम है संजय करोल। क्या नाम है? संजय करोल। और बिहार से ही मित्रों 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होकर एक अलग राज्य बना। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और जो कोसी नदी है मित्रों, उसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जाए, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार का जो वाहन अक्षर होता है वो क्या होता है? बी आर। क्या होता है? बी आर होता है। ये अपनी सीमा किस किस के साथ लगाता है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, इसके साथ अपनी सीमा लगाता है, ये साझा करता है अपनी सीमा। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों। देखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है। तो कौन सी सरकार के द्वारा की गई है मित्रों? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। और आंध्र प्रदेश चर्चा में आ जाता है तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश से मित्रों 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में भारत में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। कितनी मित्रों? 28 है। अब ध्यान रखना मित्रों, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है उसका नाम हैदराबाद है, लेकिन आने वाले समय में जो राजधानी हो जाएगी वो 3 राजधानी हो जाएगी आंध्र प्रदेश की, और वो कौन कौन सी होगी? अमरावती, कुरनूल और विशाखापत्तनम। ठीक है, वर्तमान में यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। यहाँ से लोकसभा की सीटें जाती है मित्रों 25, और राजस्थान से भी जो लोकसभा की सीटें जाती है वो 25 जाती है। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट ऐसे हैं जिनसे समान लोकसभा सीटें जाती हैं मित्रों। ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। और यहाँ का जो अगर पूछा जाए कचीपुड़ी लोक नृत्य किसका है, तो कचीपुड़ी जो लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का ही है। अपनी सीमा लगाता है मित्रों ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। और अगर पूछा जाए यहाँ की राजभाषा क्या है, तो यहाँ की राजभाषा का नाम तेलुगु है। और आंध्र प्रदेश में ही मित्रों भारत का 25वें नंबर का हाईकोर्ट बना था। वर्तमान में भारत में हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है। और 25वें नंबर का जो बना है उसका नाम है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, और उसके जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है जे के महेश्वरी। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था मित्रों उसका नाम भी क्या है? आंध्र प्रदेश ही है। अगला फैक्ट जानते देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 78 नए मार्गों को अनुमति दी है। तो केंद्र सरकार ने कौन सी योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? 78 नए मार्गों को अनुमति दे दी है। अब सबसे पहले तो हम उड़ान के बारे में जानते हैं। देखिए, उड़ान UDAN उड़ान, इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना की शुरुआत हुई थी मित्रों 2016 में। ये भारत सरकार की एक योजना है, इसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना भी कहा जाता है। और इस योजना की पहल क्या है, यानी कि आम लोगों को हवाई जहाज यात्रा की सुविधा कम से कम पैसे में मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है इस योजना के तहत। तो इसके द्वारा 78 नए मार्गों को भी अभी हाल ही में परमिशन दे दी गई है। तो दोस्तों, इसलिए ये जितने भी फैक्ट आते हैं दोस्तों, इन सारे दोस्त इनको याद करते रहिए। अगला फैक्ट जानते हैं। हाल ही में उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको? उत्पल कुमार सिंह जी को लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तब उत्पल कुमार जी आगे एक तो चर्चा में, और एक कौन आगे? लोकसभा चर्चा में आ गया। ठीक है मित्रों, ये जो उत्पल कुमार जी, ये सेवानिवृत्त एक आईएएस ऑफिसर है।
अब लोकसभा चर्चा में आया तो लोकसभा के बारे में तो हालांकि एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, फिर भी हम इसके बारे में कुछ स्टेटिक्स पॉइंट जान लेते हैं, कुछ करंट से ऐड कर लेते हैं। लोकसभा के जो स्पीकर है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, उनका नाम है ओम बिड़ला, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ लोकसभा के जो महासचिव है उनका नाम स्नेहलता श्रीवास्तव है। और नेता सत्ता पक्ष कौन है लोकसभा में, नरेंद्र मोदी है। और नेता कांग्रेस कौन है, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। विपक्ष का नेता कोई भी नहीं है मित्रों अभी लोकसभा में, ठीक है। और देखिए मित्रों, जो लोकसभा स्पीकर है हमारे भारत के, ओम बिड़ला जी लोकसभा के, उनके द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच में पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया था थोड़े दिन पहले, इसलिए भी लोकसभा चर्चा में आई थी, ठीक है। अगला फैक्ट जानते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने वाली 24, कितनी मित्रों, 24 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। तो किसके द्वारा, अमेरिका के, जो चाइना के द्वारा, जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जो विवादित पानी है उसमें कृत्रिम द्वीप बना रहा है कौन, चाइना। जो 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 कंपनी है इसमें सहायता कर रही है, जो जो निर्माण भाग ले रही थी, उनकी संख्या जैसे 24 है, 24 जितनी चीनी कंपनियां उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया अमेरिका के द्वारा किया गया। अब एक तो अमेरिका चर्चा में आ गया और एक क्या आ गया मित्रों, चाइना चर्चा में आ गया। तो इन दोनों देशों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में ही मित्रों आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, और जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में ही है, और जो नासा का हेडक्वार्टर है वो भी वाशिंगटन डीसी में ही है। अमेरिका, अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति, उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि 45वें नंबर के। इनसे पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, उनका नाम था बराक ओबामा, ठीक है। अमेरिका के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है उनका नाम है माइक पेंस। अमेरिका में जो मुद्रा चलती है उसका नाम डॉलर है, यूएसए डॉलर पूरा नाम मिलता है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देशों की संख्या पूछी जाए, पहला नंबर किसका आता है, तो वो आता है अमेरिका का। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पहला पूछा जाए तो किसका आता, चाइना का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पहला पूछा जाए तो आता रसिया का, ठीक है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर अमेरिका का, उसका नाम न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का हेडक्वार्टर है। किसका, यूएनओ का हेडक्वार्टर है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है उसका नाम अंग्रेजी, क्या है मित्रों, अंग्रेजी है। अब चीन चर्चा में आ जाता है, तो चीन के बारे में भी स्टेटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। देखिए मित्रों, चाइना, भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में चाइना और भारत के मध्य काफी विवाद चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, संबंध अच्छे नहीं चल रहे चाइना और इंडिया के भी, हालांकि हमारा पड़ोसी देश है। अब देखिए, जो चीन है, चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है युआन या रेनमिनबी। और यहाँ की जो संसद है उसे पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका की संसद को जाना जाता है कांग्रेस नाम से, और चाइना की संसद को जाना जाता है पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चाइना विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, बताया आपको अभी मैंने। यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो सी जिनपिंग है यहाँ के राष्ट्रपति, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है ली केक्यांग, ठीक है। ये चीन भी एशिया महाद्वीप में ही आता है, और चीन में की जो राजधानी है बीजिंग, बीजिंग में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक गेम होंगे। और भारत और चाइना के जो मध्य रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है, और वो किसके नाम पर मैकमोहन रेखा नाम रखा गया वो आप कमेंट्स करके बता दीजिए मित्रों। देखो, सबसे बड़ा जो नगर है चाइना का उसका नाम है संघाई, ठीक है। और जो एशियन पैरा गेम होंगे 2022 के, वो कहाँ पर होंगे मित्रों, वो भी होंगे चाइना में। और 19वें एशियन गेम 2022 में हो रहे हैं, वो भी चाइना में हो रहे हैं। और एशियन यूथ गेम 2021 पूछा जाए ये कहाँ होंगे, तो ये भी मित्रों चाइना में होंगे। चाइना की अगर राजभाषा पूछी जाए तो उसका नाम मानक चीनी है, क्या है, मानक चीनी है। अगला फिर जानते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में फोक्स वैगन ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है। तो किसके द्वारा, फोक्स वैगन के द्वारा की गई है, वर्चुअल रेसिंग चैंपियन लॉन्च कर दी है। अब देखो, फोक्स वैगन आ गया, तो सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। किसकी है, जर्मनी की कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1937 को बर्लिन में हुई। इसके जो संस्थापक है उनका नाम फर्डिनेंड पोर्स और जर्मन लेबर फ्रंट, ठीक है। और फॉक्स वैगन का हेडक्वार्टर है वोल्फसबर्ग जर्मनी में है। और इसके जो पर्यवेक्षी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हैंस डाइट पॉस, और इसके जो प्रबंधक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्बर्ट डायस,
ठीक है, अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों। देखिएगा, हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला वन चालक ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीत लिए। तो लुइस हैमिल्टन ने कौन सी ग्रांड प्रिक्स जीत लिए मित्रों? बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीत लिए। जो लुइस हैमिल्टन है मित्रों, ये जो मर्सिडीज गाड़ी है उसके ड्राइवर है। इनके द्वारा अब तक कितनी जीत ली गई है? इनके द्वारा टोटल हुई है मित्रों कितनी? 6 फार्मूला रेस हो चुकी है, सॉरी 7 हो चुकी है। इनसे पहले 6 फार्मूला रेस हो चुकी है। अब वो 6 फार्मूला जो रेस हुई है उनसे पहले वो किस किसने जीती है? तो मित्रों 5 तो जीत चुके हैं कौन? लुइस हैमिल्टन जीत चुके हैं। वो कौन कौन सी? इंग्लैंड वाले जीत चुके हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं मित्रों? इंग्लैंड के रहने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। और स्टेरिन, अंग्री, ब्रिटिश, स्पेनिश, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये सारी जीत चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो मैक्स वर्स्टैपन है वो कौन सी टीम के खिलाड़ी है, मतलब कौन सी गाड़ियाँ चलाते हैं? तो वो रेडबुल की चलाते हैं। और उनके द्वारा 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस जीती गई थी। और उनके अलावा एक और जो प्लेयर है उनका नाम वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, और ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स वो उनके द्वारा जीती गई थी। तो वो फैक्ट भी आपको याद रखना है उससे संबंधित भी। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, हाल ही में ओणम पर्व मुख्य रूप से केरल में मनाया गया। तो ओणम पर्व मुख्य रूप से कौन से राज्य में मनाया गया? केरल राज्य में मनाया गया। ओणम पर्व में होता है क्या मित्रों? ये त्यौहार महाबली भगवान के आने पर मनाया जाता है। ये इसे कृषि त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी फसल की कामना करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है मित्रों, जो फूल होते हैं ना उनकी रंगोली बनाई जाती है। ठीक है, और ये तो है ओणम पर्व, लेकिन आपसे पूछा जाए पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। अब केरल चर्चा में आ जाता है, तो केरल के बारे में स्टेटिक्स पॉइंट जान लेते हैं मित्रों। जो केरल है मित्रों, केरल की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम, और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम पिनरई विजयन है। क्या है? पिनरई विजयन है, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और वर्तमान में यहाँ पे लोकसभा की सीटें 20 है, राज्यसभा की 9 है, और विधानसभा की सीटें 140+1 है। अगर पूछा जाए यहाँ का वाहन अक्षर क्या है, तो केरला का वाहन अक्षर होता है KL। क्या होता है? KL होता है। और पूछा जाए यहाँ का राज्य वृक्ष क्या है? नारियल है। क्या है? नारियल है। और केरल हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस है, उनका नाम है एस मनी कुमार। क्या नाम है? एस मनी कुमार है। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हाल ही में CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने का विस्तार मिला। कितने महीने का विस्तार मिल गया मित्रों? 6 महीने का मिल गया। अब CBDT आ गया, तो CBDT के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। CBDT वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है मित्रों। इसकी स्थापना हुई थी 1944 को, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन है उसका नाम प्रमोद चंद्र मोदी है, जिनका जो कार्यकाल है उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। अगला फैक्ट जानते हैं। देखिए, हाल ही में विश्व ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो किसने? डब्ल्यू बैंक ने लगा दी है, विश्व बैंक ने लगा दी है। तो देखिए, अगर बात करते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक क्यों लगाई गई है, तो इसमें कुछ कमियां हैं मित्रों, कुछ खामियां देखी गई है, इस वजह से इसमें रोक लगा दी गई है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाई गई है। तो मित्रों, पिछली बार जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो उसमें भारत का स्थान था 63वां, और पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे था न्यूजीलैंड। ठीक है, अब विश्व बैंक चर्चा में आया, तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? तो इसका मित्रों मेन जो उद्देश्य होता है, जितने भी सदस्य इसके राष्ट्र होते हैं उनको पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। इसकी स्थापना हुई मित्रों 1944 में, इसने कार्य शुरू किया था जुलाई 1945 से। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में, और वर्तमान में इसके जो हेड है उनका नाम है डेविड मालपास। क्या है? डेविड मालपास है। इसके सदस्यों की संख्या है 189, और इसके वर्तमान में जो MD और CFO है उनका नाम है अंशुला कांत, जो कि भारतीय हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री का नाम क्या? कॉर्मेन रेनहॉर्ट। 15 जून 2020 को इनकी नियुक्ति की गई थी। और वर्ल्ड बैंक अपना कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो इस सिद्धांत का नाम है वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अगला फैक्ट जानते हैं। देखिए दोस्तों,
हाल ही में जापान देश ने भारत को COVID-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है। कितना? 3500 करोड़ रुपए का दिया, जापान के द्वारा दिया गया। अब जापान चर्चा में आ जाता है तो एक तो जापान के बारे में जान लेते हैं। और मित्रों, जो ये लोन दिया गया, ऋण दिया गया है, ये जापान की मुद्रा येन में दिया गया है। वो दिया गया 50 बिलियन येन, यानी कि लगभग 3500 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए, ODO यानी कि इसका पूरा नाम होता है आधिकारिक विकास सहायता, यानी कि ऑफिशियल डेवलपमेंट हेल्प, क्या बोलेंगे इसको। अगला फैक्ट जानते हैं मित्रों। देखिए, जो जापान है, जापान के बारे में जानेंगे। जापान का पूरा नाम होता है, जापान की, अगर पूछा जाए जापान की राजधानी क्या होती है, सॉरी पूरा नाम गलती से बुला गया, जापान की जो राजधानी उसका नाम टोक्यो है, यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम येन है, और जापान की जो संसद है उसका नाम डाइट है, और जापान का जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उनका नाम शिंजो एबे है, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। लेकिन जब तक दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक ये कार्य देखते रहेंगे, लेकिन इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है मित्रों। इनका जापान का जो वर्तमान में सम्राट है उसका नाम नारुहितो है, और जापान एशिया महाद्वीप में आता है, और इस जापान को ही उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। जापान में मित्रों 2020 का ओलंपिक खेल होने वाले थे लेकिन उनको पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों। देखिएगा, हाल ही में अमूल रोबो बैंक की वैश्विक सूची में टॉप 20 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय डेयरी बन गई है। कौन सी? अमूल। तो रोबो बैंक की वैश्विक सूची में टॉप 20 में शामिल होने वाली कौन सी डेयरी बन गई है? अमूल बन गई है। अब सबसे पहले तो हम इस अमूल का पूरा नाम जानते हैं। क्या अमूल का पूरा नाम होता है क्या? तो इसका नाम होता है मित्रों आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और अमूल के जो संस्थापक है उनका नाम त्रिभुवन दास पटेल, और अमूल का जो हेडक्वार्टर है वो आनंद में है, और आनंद है कहाँ पर? गुजरात में। और वर्तमान में इसके जो प्रबंध निदेशक है उनका नाम है रुपिंदर सिंह सोडी। क्या नाम है? रुपिंदर सिंह सोडी उनका नाम है मित्रों। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों। देखिएगा, हाल ही में CSIR और CMERI इन दोनों के द्वारा मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है। तो सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किसके द्वारा किया गया? CSIR और CMERI इन दोनों के द्वारा मिलकर किया गया। CSIR का नाम आपने सुना ही होगा। इसका पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका पूरा नाम होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को, और इसका हेडक्वार्टर मित्रों नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है उसका नाम शेखर सी मांडे। ठीक है, अगला फैक्ट जानते हैं। हाल ही में भारत ने रूस में होने वाले काउकॉज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। मित्रों, जो COVID-19 है उसकी वजह से भारत के द्वारा इसमें शामिल होने से मना कर दिया गया है। अब रशिया चर्चा में आ जाता है तो रशिया के बारे में स्टेटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। रशिया, रशिया की राजधानी मॉस्को है, और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उनका नाम मिखाइल वी मिशुस्तिनी है, और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, जो कि 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। रूस की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, और रूस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रूबल। क्या है? रूबल। 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो रशिया में हुआ था, जिसे फ्रांस ने हरा, क्रोएशिया को हरा कर उसको जीत लिया था। आने वाला 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा मित्रों कतर में। और कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर कराने वाला जो विश्व का पहला देश बना था उसका नाम भी रशिया था, और उस वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक 5। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मेडबोट नाम से COVID-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए रोबोट लॉन्च किया है। तो रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मित्रों? भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। भारतीय रेलवे चर्चा में आया था तो भारतीय रेलवे के बारे में मैंने सारे स्टेटस पॉइंट आपको बता दिए थे। अभी अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 महीने को पोषण माह के रूप में घोषित किया। तो पोषण माह के रूप में मनाने से संबंधित घोषणा किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। कौन से महीने को? सितंबर 2020 को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना सीधा सीधा। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों। देखिए,
हाल ही में मैकेंजी स्कॉट लॉरियस दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। तो दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? मैकेंजी स्कॉट लॉरियस बन गई है मित्रों। अब जो मैकेंजी स्कॉट लॉरियस है, ये है कौन? ये मित्रों जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, भारत के क्या, विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति है, जिनका नाम है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक और सीईओ है। तो मित्रों जो मैकेंजी स्कॉट लॉरियस है, ये जेफ बेजोस की एक्स वाइफ है। इनके द्वारा तलाक भी हो चुका था, जो कि विश्व का सबसे महंगा तलाक था ये, ठीक है। और बात करते हैं कि दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंकोइस बेंटोकोट मेयर्स को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान प्राप्त हुआ मैकेंजी स्कॉट लॉरियन को। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों, देखिए हाल ही में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एक्सीलेंट एनर्जी यूनिटी पुरस्कार जीता। तो एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा जीता गया। मित्रों जो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका एक अन्य नाम और मिलता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। तो अगला देखते हैं दोस्तों, देखिएगा हाल ही में रक्षा मंत्री हमारे जो है, उनका नाम है राजनाथ सिंह जी, वो SCO की बैठक में शामिल होने के लिए रशिया देश की यात्रा पर गए हैं। कौन से देश की यात्रा पर गए हैं? रूस की यात्रा पर गए हैं हमारे जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा SCO, SCO का पूरा नाम होता है संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, ठीक है मित्रों। संघाई सहयोग संगठन इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, बीजिंग हाँ चाइना में। और इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 8, और वो सदस्य देश है कौन कौन से? चाइना, भारत, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये सारे नाम है मित्रों। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों, देखिए हाल ही में हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का CMD बनाया गया। तो हेमंत खत्री को किसका CMD बनाया गया है मित्रों? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का CMD बना दिया गया है। तो ये किसके स्थान पर आए मित्रों? तो इनका नाम याद पता होना चाहिए आपको, LV शरद बाबू के स्थान पर आ गए हैं। अगला फैक्ट जानते हैं, हाल ही में डायरेक्टर करण जौहर ने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। क्या नाम है? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम है इसके, जो लिखी है किसने लिखी है इसको? करण जौहर ने लिखी है। और करण जौहर है कौन? एक डायरेक्टर है, उनके द्वारा इसको लिखा गया है, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा कौन सी सरकार के द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो उत्तर प्रदेश चर्चा में आ जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश का अगर बात करें वाहन अक्षर क्या है, तो इसका वाहन अक्षर होता है UP। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के वर्तमान में CM का नाम है योगी आदित्यनाथ, जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, ठीक है। वर्तमान यहाँ से लोकसभा की सीटें 80 जाती है, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की है 403+1। यहाँ के राज्य पशु का नाम है बारहसिंगा, और राज्य पक्षी का नाम सारस, राज्य वृक्ष का नाम अशोक है, और राज्य पुष्प भ्रम कमल है, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान में 75 जिले हैं, और दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी ये सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अपनी सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और 8 राज्य कौन से हैं मित्रों? देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। यहाँ का जो हाईकोर्ट है उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? तो मित्रों उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है गोविंद माथुर। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम राजस्थान है, जो 342,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला फैक्ट जानते हैं, देखिए हाल ही में देखिए मित्रों जो ICICI बैंक है
उसने होम उत्सव शुरू किया है। बैंक का नाम क्या है? ICICI बैंक का आपने नाम सुना होगा, इसके द्वारा होम उत्सव शुरू किया गया है। तो ICICI बैंक आ जाता है तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है। पहली बात तो इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और वर्तमान में इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका नाम संदीप बख्शी है, ठीक है। चेयरपर्सन का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा ICICI थोड़े दिन पहले भी चर्चा में आया था, जब ICICI बैंक ने किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने की घोषणा की थी, तब भी चर्चा में आया था ICICI बैंक। अगला फिर जानते हैं दोस्तों, देखिए हाल ही में CFI ने 2021 में साइकिलिंग सीकर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो कब किए? 2021 में। CFI का पूरा नाम होता है CFI का साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो अगर पूछा जाए विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने बताया था अभी आपको 3 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों, देखिए इन दिनों में नियुक्तियां बहुत हो रही है, तो हाल ही में अभी सरकार को PTI न्यूज एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो PTI न्यूज एजेंसी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है मित्रों? अभी सरकार को बनाया गया है। अब देखिए अभी सरकार से पहले कौन थे, तो उनका नाम था विजय कुमार चोपड़ा। तो विजय कुमार चोपड़ा के स्थान पे PTI न्यूज एजेंसी के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? अभी सरकार है। अब PTI न्यूज एजेंसी आया तो इसके बारे में और स्टेटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष तो कौन हो गए? अभी सरकार जी हो गए हैं अब, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी PTI न्यूज एजेंसी की। अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में CIL जो कि एक महारत्न कंपनी भारत की, 2023-24 तक भारत में 1.22 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। तो कितनी? 1.22 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा कर दी है। किसके द्वारा? CIL के द्वारा, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। इसका पूरा नाम क्या होता है? CIL का कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। देखिए वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनी है और 14 नवरत्न कंपनी है। देखो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न नाम सुना होगा ना, तो उसमें महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो 10 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो 14 है, ठीक है। अगर बात करते हैं CIL के बारे में और स्टेटिक्स पॉइंट जानते हैं, तो CIL का पूरा नाम होता है कोल इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 को, और इसके जो वर्तमान में जो महानिदेशक है उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल जी। क्या नाम है? प्रमोद अग्रवाल जी। मित्रों ये थी हमारी करंट जीके, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।